तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट एफसी के फुल स्क्वाड के बारे में। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट एफसी ने जो है गाइस आईएसएल के लिए अपना स्क्वाड अनाउंसमेंट कर दिया है, उसी के बारे में आज हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो भाई अगर चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको तो पता ही है आज नॉर्थ ईस्ट एफसी का मैच है मुंबई सिटी एफसी के साथ, उस मैच के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब चर्चा करेंगे। अभी भाई नॉर्थ ईस्ट एफसी का जो स्क्वाड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कल ही गाइस नॉर्थ ईस्ट एफसी ने जो है गाइस अपना जो मतलब स्क्वाड है भाई आईएसएल के लिए उसका जो है मतलब अनाउंसमेंट कर दिया है, तो ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कोच तो भाई हमारा जुआन पेद्रो बनाली है, वो तो आपको मालूम ही है जुआन पेद्रो बनाली कितने अच्छे कोच है, ड्रोन कप में भी गाइस बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट एफसी के फुल स्क्वाड के बारे में। तो भाई फर्स्ट बात करते हैं गोलकीपर्स के बारे में। तो गोलकीपर्स में पहले नंबर में है गाइस जीपे चौहान, जो कि भाई वन नंबर का मतलब जर्सी नंबर है इनका। और उसके बाद फिर सेकंड है जैक्सन सिंह, 31 नंबर है इनका, जर्सी नंबर है मतलब 31 है। उसके बाद भाई हमारा मिर्शाद मिकू का जो है जर्सी नंबर 32 है। और गाइस इधर निखिल डेका नहीं है यार, ये मुझे भी पता नहीं कि निखिल डेका को स्क्वाड में क्यों नहीं रखा। तो मैं आपको पता करके भाई नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि भाई निखिल डेका क्यों नहीं है स्क्वाड में। और बाकी भाई तीनों गोलकीपर ही अच्छा है, मिर्शाद मिकू तो भाई फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस भाई हमारा दीपेश चौहान है, और जैक्सन को मतलब मेरे हिसाब से जैक्सन को गेम टाइम नहीं मिलेगा आईएसएल में, लेकिन फिर भी भाई देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद आता है डिफेंडर्स। तो पहले नंबर पे है गाइस हमारा जो दिनेश सिंह जो कि भाई दो नंबर का जर्सी पहनेंगे, फिर तीन नंबर के जर्सी पहनेंगे तोंडोम्बा सिंह, चार नंबर के जर्सी में पहनेंगे मतलब माइकल जवा को चार नंबर के जर्सी में पहनेंगे। और उसके बाद 12 नंबर के जर्सी पहनेंगे अशर अख्तार, 13 नंबर के जर्सी गौरव बोरा, 20 नंबर के जर्सी हीरा मोंडोल, और उसके बाद बोन थान लंग छामते गाइस जो है 77 नंबर का जर्सी पहनेंगे, 97 नंबर का जर्सी पहनेंगे भाई यासिर हामिद। तो इस बार का नॉर्थ ईस्ट एफसी का डिफेंडिंग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर है भाई, फॉरेनर प्लेयर भी अच्छा है, इंडियन प्लेयर भी अच्छा है, हीरा मोंडोल जैसे मतलब इंडियन एक्सपीरियंस प्लेयर है, हीरा मोंडोल गौरव बोरा, फिर मतलब तोंडोम्बा सिंह हो गया, और उसके बाद भाई फिर फॉरेनर प्लेयर भी अच्छे अच्छे हैं यासिर हामिद, माइकल जवा को। यासिर हामिद अपने आप को अभी तक साबित नहीं कर पाए, लेकिन भाई माइकल जवा को अपने आप को साबित कर दिया, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, मतलब एक गोल भी है उनके नाम में ड्रोन कप में। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिडफील्डर्स के बारे में। तो भाई मोहम्मद अली बेमर जो कि भाई 6 नंबर की जर्सी पहनेंगे, 8 नंबर की जर्सी पहनेंगे नेस्टर अलवियाज, 10 नंबर की जर्सी पहनेंगे हमारे मतलब रोमिन फिलवोटुक्स, फिर 14 नंबर की जर्सी भाई फलगुनी सिंह, और फिर भाई मतलब मार्कडन लुइस नेक्सन जो कि भाई 15 नंबर की जर्सी पहनेंगे। और भाई मुझे पता नहीं था यार मार्कडन लुइस नेक्सन को भी भाई मेन टीम में खिलाएगा, लेकिन कोई बात नहीं भाई, शायद मुझे लगता है कि माइकल मतलब मार्कटन लुइस नेक्सन को भाई मेरे हिसाब से तो गेम टाइम नहीं मिलेगा आईएसएल में, लेकिन फिर भी भाई देखते हैं। उसके बाद गानी निगम है, गानी निगम जो है 17 नंबर की जर्सी पहनेंगे, 23 नंबर की जर्सी पहनेंगे बेके ओमार, तो बेके ओमार भी है गाइस, बेके ओमार भी मतलब एक छोटा प्लेयर है, तो फिर भी भाई देखते हैं आईएसएल में गेम टाइम मिलते कि नहीं। उसके बाद भाई 26 नंबर की जर्सी पहनेंगे फलगुनी सिंह, 33 नंबर के जर्सी मतलब शिगिल नामव्रत, और उसके बाद 66 नंबर की जर्सी पहनेंगे फ्रेडे। तो भाई अभी जो मतलब नॉर्थ ईस्ट का मिडफील्डर है ना गाइस, वो मिडफील्डिंग है ना वो भी है गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है भाई, फॉरेनर प्लेयर भी अच्छे हैं, रोमिन फिलवोटुक्स है, अली बेमर है, और भाई जो इंडियन प्लेयर्स है वो भी अच्छे हैं भाई, जैसे फलगुनी सिंह हो गया, तो इंडियन प्लेयर्स भी अच्छे हैं, फॉरेनर प्लेयर्स भी अच्छे हैं, तो कह सकते हो कि इस बार नॉर्थ ईस्ट का मिडफील्डिंग भी भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। तो उसके बाद बात करते हैं फॉरवर्ड्स के बारे में। तो भाई 7 नंबर के जर्सी पहनते हैं रॉक्सर जला भी गाइस काफ़ी अच्छे प्लेयर है गाइस, एक स्किलिश प्लेयर है रॉक्सर जला, उनको मतलब आप कमज़ोर मत समझिए, मतलब वो भी बहुत ही अच्छे प्लेयर है रॉक्सर जला। और उसके बाद है सुंदर गोगोई जो कि भाई 11 नंबर के जर्सी पहनेंगे, और उसके बाद फिर भाई 18 नंबर के जर्सी पहनेंगे जितिन एमएस, उसके बाद फिर मनवीर सिंह 21 नंबर के जर्सी में मतलब खेलते हुए नजर आएंगे, हमारा जो रिडीम तालंग है वो जो है गाइस 22 नंबर के जर्सी में खेलेंगे, और उसके बाद फिर थोई सिंह भी है, थोई सिंह जो है गाइस 25 नंबर के जर्सी में खेलेंगे, और जो मतलब हमारा इप्सन मेलो है वो तो भाई 71 नंबर के जर्सी में खेलेंगे। तो ये था गाइस नॉर्थ ईस्ट का सभी फॉरवर्ड्स। और उसके बाद भाई हेड कोच तो भाई हमारा जुआन पेद्रो बनाली, असिस्टेंट कोच तो भाई हमारा जो मतलब है ना नौशद मौसा भी गाइस काफ़ी अच्छे प्लेयर है, बेंगलुरु एफसी में बहुत ही अच्छा काम किया है आपको तो पता ही है। तो नौशद मौसा भाई असिस्टेंट कोच है, हेड कोच जुआन पेद्रो बनाली। तो अभी भाई देखते हैं आज का मैच में क्या होता है, मुंबई सिटी एफसी के साथ मैच है, और भाई अगर उस मैच के बारे में अभी चर्चा करूँगा तो भाई वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो उसके बाद बारे में मैं अभी वीडियो बना लेता हूँ, और भाई 2 बजे को मैं उसके बारे में मतलब वीडियो अपलोड कर दूंगा, मैं लाइनें भी बना रहा हूँ। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में जाएगा आज का मैच के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि भाई अगर वीडियो मतलब बहुत ही लंबा हो जाएगा ना, और मैं अभी लाइनअप वगैरह नहीं बनाया, तो अभी मैं लाइनअप वगैरह बना
लेता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देर किस बात की यार, कर दो ना भाई, कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन यार आप लोग करते ही नहीं हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।